नमस्कार, आज आपका दोस्त बहुत दिन बाद अपने इस आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे आया हूँ और आज आपको मैं दो तीन नए मॉडल शो करूंगा। थोड़ा सा जब समय लग जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग इसी में बिजी रहते हैं कि कुछ नया आपको दे पाए जिससे आपके बिजनेस में कुछ नई वैल्यू ऐड कर पाए। ठीक है, अभी मौसम आ रहा है गर्मियों का और गर्मियों में एक नया जो एक बिजनेस निकल के आता है वो होता है शुगर कैन का। तो शुगर कैन मशीन है थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल। पिछली बार हमने एक वीडियो डाला था लेकिन वो काफी लास्ट सीजन में था। इस बार हम स्टार्टिंग से ही इसकी एक तमाम सारे रेंज लेके आए हैं आपके लिए। मैं एक शोकेस करूंगा आपको जिसमें 304 के तीन रोलर के साथ मशीन है और आप इसमें स्टैंड चिलिंग भी ले सकते हैं और जैसा चाहें वैसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जो कि हमारी प्रायोरिटी रहती है कि हम कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट आपको बना के दें। तो चलिए मैं शो करूंगा। तो सबसे पहले तो हम गन्ना देख लेते हैं और एक मशीन का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो कैमरामैन आइए, गन्ना इधर है। हमने 1700 ग्राम गन्ना लिया है और देखिए आप, ये 1700 ग्राम गन्ना है और आगे बुलाएंगे, मैं कंट्रोल थोड़ा दिखाऊंगा मशीन का। मशीन के कंट्रोलर्स यहाँ पे है और ये मशीन में जैसा कि हम पानीपुरी की रेंज बनाते हैं तो हमने इसको भी ऑटोमेट किया है वाया सेंसर। और कहीं भी कोई भी कस्टमर के सामने जैसे इसका जो आउटपुट निकलता है गन्ने के बाद वो कहीं भी दिख नहीं रहा है, वो मशीन में ही स्टोर हो रहा है। एक जगह पे शाम को आपको प्लस आउट करना है तो वो कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा। और ऑटोमेटिक डिजिटल सेंसर से डिलीवरी होगी, मींस नॉन टच हाइजेनिक जैसा कि आजकल माहौल चल रहा है वो होगा। दूसरा, ये एकदम प्री प्लान एक रास्ते पे चल सकता है ऐसा सिस्टम है, आप किधर भी लेके जा सकते हो। पावर सोर्स में अगर आपको बैटरी से चलने वाला चाहिए तो वो भी हम बना सकते हैं आपके लिए। ये फिलहाल इलेक्ट्रिक से चल रहा है, मैं आपको लीड अभी दिखा दूंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन प्रोसेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने गन्ना 1700 ग्राम लिया है, हम इसको क्रश करना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, आ जाओ पास में आ जाओ। मैंने मशीन को स्टार्ट किया, मशीन स्टार्ट हो गई, इसमें हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। अगर आपको दिख रहा है हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है जिससे इलेक्ट्रिक कितना करंट है वो दिखेगा। ये ऑपरेशन है, ये आपका रनिंग लाइट है और ये कंटिन्यूस लाइट है और ये बटन आप जो देख रहे हो जो प्लस है, ये क्या है, डिलीवरी सिस्टम के। हम जैसे कि अभी डिलीवरी नहीं ले रहे हैं, हमने सिर्फ अभी गन्ना पेरने की बात कर रहे हैं तो हम इसको बंद कर देते हैं क्योंकि फिर अनावश्यक इंजेक्शन लेकर के डिलीवरी कर सकता है और आपका काम थोड़ा सा रस आ जाएगा उसमें। तो उसको आपको अब आप गन्ना पे एक बार आपने डाल दिया तो ऑटोमेटिक खींच लेगा और 98% तक एकदम एक बार में प्रेस कर देगा और आप देख रहे हो कहीं पे भी इसकी कोई बाहर नहीं नजर आएगी। थोड़ा सा एक बार जब आप इनपुट देते हैं तो थोड़ा सा पुश करना होता है, उसके बाद आप छोड़ देते हैं। ये है जूस सेक्शन और यहाँ पे हमने दो बकेट रखा हुआ है, आप इसमें एक बकेट रखेंगे और ये टैंक हमने इसलिए दिया है कि आप इसमें थोड़ा सा बर्फ रख लें या आपकी जो भी जरूरत के सामान है वो आप यहाँ रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सादा वाटर रखा हुआ है और ये कंटेनर है जूस का, आप देखेंगे कि यहाँ पे जूस आ चुका है। आप उधर दो पाइप दिख रहे हैं, एक इनपुट पाइप और एक अप पाइप जो डिलीवरी करेगा, हमको यहाँ से निकाल कर किसी कस्टमर को नहीं देना। तो ये टैंक दो काम में आती है, एक बड़ा टैंक हमने दिया हुआ, ये टैंक दो काम में आती है। एक तो
इसमें आप बर्फ रख सकते हैं जिससे इंस्टेंट आपका जो जूस है वो ठंडा हो। और दूसरा, अगर इसमें आप इंस्टेंट चिलिंग लेंगे हमसे तो हम वो भी बना देंगे, मतलब इंस्टेंट चिलिंग। वो तुरंत क्या होता है, कॉइल से गुजरता है, कंप्रेसर लगा के बनाया जाता है, वो हम बना देंगे जिससे आपका तुरंत तुरंत जो जूस है वो ठंडा होकर बाहर आएगा। लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं है, यहाँ पे हमने नहीं बनाया क्योंकि हम कस्टमर सेंट्रिक बनाते हैं, किसी कस्टमर को नहीं चाहिए होता है, जिनके लिए हमने ये बनाया उनको नहीं चाहिए। हम अभी इसको पैक कर देते हैं, थोड़ा सा मैंने कुछ कर दिया, पैक हो गया। अब आपको खोई दिखाएंगे, इधर आइए, आपने जो गन्ने का वेस्ट निकलता है हम आपको वो दिखाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे पैक है, आपको कहीं से भी चारों तरफ से लग नहीं रहा होगा कि खोई कहाँ मिलेगी, तो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे मिलेगी। और ये है इसका पूरा कलेक्शन, हमने ये बाहर किया, ये हमने निकाला, और आप देखेंगे कि क्या हालत से वो निकली है। थोड़ा सा जूम करिए, ये है खोई, देखिए एकदम सूखा हुआ, एक बार में इसमें थोड़ा भी रस नहीं है, थोड़ा भी इसमें रस नहीं है। मैं और दिखा देता हूँ, इसमें बिल्कुल भी रस नहीं है, आप देखेंगे ये इसमें आग लग सकती है, इस तरह ये सूख करके निकली हुई है। और इसी में पूरा डे का स्टॉक आएगा और शाम को आप फ्लश आउट कर दीजिए। अब मैं आपको गन्ने का रस सर्व करके दिखाऊंगा कि सर्व कैसे किया जाता है। आप डिस्पोजल ग्लास भी रख सकते हैं या आपका जैसा भी पैटर्न हो, अगर आपने प्लास्टिक ग्लास रखा है तो प्लास्टिक ग्लास रख सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ लगाएंगे, हमने अभी मशीन ऑन नहीं किया, डिलीवरी सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम का बटन यही होता है, मैंने जैसा कि बताया था, इधर से दिखा ली। जब भी आपको डिलीवरी लेनी हो, मशीन ऑफ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडिकेटर नहीं जल रहा है, मतलब मशीन ऑफ है। डिलीवरी सिस्टम जब हम यहाँ ऑन करेंगे तभी ऑन होगा, ऑन हो गया। अब ये जूस दे सकता है आपके कस्टमर को, तो दो तरीके हैं, एक तो यहाँ पे हमने सेंसर बेस्ड इसको बनाया है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि गन्ने का रस क्या होता है, अगर टॉप पे आ गया तो काफी जो है गंदा एनवायरमेंट बनता है, तो हमने क्या किया है, थोड़ा सा डिफरेंस दिया है। उसका यूज कैसे करना है, पहले हम अपना ग्लास प्लेस कर लेंगे और यहाँ पे सिर्फ हमको सेंसर के सामने हाथ देना है, जितना सेटिंग इसकी कम ज्यादा सेटिंग हो सकती है, हमें इस ग्लास को एकदम फुल करना है। हमने यहाँ पे मैनुअल बटन भी दिया हुआ है, ये देखिए गन्ने का रस रेडी। हम दूसरा भी ग्लास रेडी कर लेते हैं, ये बटन है सिंपल, आप ऐसे ही कस्टमर को दे सकते हैं, और ये प्योर है। दो ग्लास पूरे हो गए और इसे पिया जा सकता है, आपका कस्टमर को आप सर्व कर सकते हो, और कहीं कोई गंदगी इस मशीन के ऊपर नहीं आने वाली है। हमने ग्लास भर करके गन्ने का जूस बाहर रख दिया, और नीचे जो है वो स्टैंड पड़ा हुआ है, हम उसे दूसरे कस्टमर को सर्व कर सकते हैं। लास्ट में हमने जिधर से गन्ना डाला था उधर से ही आपको पानी डालना है, ये मशीन पूरी क्लीन हो जाएगी। उधर आपने देखा स्टॉक, उसको आप फ्लश आउट कर सकते हो, और ये ऐसा बेंडेबल है कि आप इधर भी और बोतल में भी अगर भर के किसी को होम डिलीवरी देना चाहते हो तो आप इधर से बोतल लगा सकते हो। लाइक मैं बोतल लगा के आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको कभी जूस किसी बोतल में किसी को होम डिलीवरी देना है तो ये मशीन उसके लिए भी बहुत परफेक्ट है। आप यहाँ पे सिर्फ इसको इन्वेस्ट करिए और यहाँ बटन लगी हुई है, थोड़ा पास आ जाइए, बटन से आप डिलीवरी दे सकते हो। आप जितना चाहें बटन से डिलीवरी दे सकते हैं, सेंसर भी इसमें काम करता है, बस सेंसर की एंट्री देनी है। सेंसर की सेटिंग आप जितना चाहे, जितना बड़ा ग्लास आपको यूज करना है उतना बड़ा ग्लास ले सकते हैं। इसी मशीन में आप हमसे काउंटर भी ले सकते हैं, अगर आपका योजना है तो एक काउंटर भी ले सकते हैं। काउंटर का मतलब कि वो काउंट करता रहे कितनी डिलीवरी कर चुका है, वो भी हम कर सकते हैं। और बाकी चीज़ें आप जो भी इससे रिलेटेड है, इसमें लाइट चाहिए, इसमें फ्लैप चाहिए, इसको किसी व्हीकल पे रखना है, बैटरी से चलाना है, व्हाटएवर जो भी चाहिए आपको, शुगर कैन मशीन में आपको हम ले सकते हैं। इसमें तीन रोलर की मशीन होती है और 304 ग्रेड का इसमें रोलर लगा होता है, जो कि सिंगल क्रश में आपको एक फुल फ्लेज आपको जूस निकाल करके दे देता है।
और बहुत सारी ऐसी इससे रिलेटेड जो मशीनें हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके लिए आप हमारे आईआर नंबर पर कॉल कर लीजिए या ऑफिस में एक्सक्यूटिव से बात करिए, उनसे पूछिए कि ये मशीन क्या आपको किस तरीके से मदद कर सकती है। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।